नमस्कार साथियों, जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आज की हमारी वीडियो पुलिस आरक्षकों के लिए है। आरक्षक भर्ती परीक्षा 2017 में चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग में धांधली के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। हम आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपने आपका दोस्त एडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। सब्सक्राइब करें आपका दोस्त एडी चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो इस चैनल पर डले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। आरक्षक भर्ती परीक्षा 2017 में चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग में धांधली के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसके पहले सोमवार को कुछ अभ्यर्थी भोपाल पुलिस मुख्यालय भी पहुंचे थे, यहां पुलिस अफसरों से मिले, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। यहां बता दें कि परीक्षा में ज़्यादा नंबर लाने वाले ओबीसी व एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को एसएएएफ बटालियन में पदस्थ किया गया, जबकि उनसे कम अंक लाने वाले जिला पुलिस बल में पोस्टिंग दी गई। दैनिक भास्कर ने यह मामला प्रमुखता से उठाया था। पिटीशन दायर करने वाले अभ्यर्थी ऐश्वर्य डहरिया, माखन नामदेव आदि ने भास्कर से चर्चा करते हुए बताया कि भोपाल में हम लोग पुलिस अधिकारियों से मिले थे। एक जिम्मेदार अफसर का कहना था कि जहां पोस्टिंग दी है वहीं जाओ, आरक्षित वर्ग में हो तो नंबर कम लाओ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ज्ञापन सौंपा। डहरिया ने बताया कि न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। बुधवार को सुनवाई की तारीख तय हुई। कोर्ट में निर्देश जारी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी अभ्यर्थियों को इस वीडियो की जानकारी मिल सके। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट न्यूज़ के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।